corruption, infrastructure, health, gender, environment, development, conflict, caste, art and culture, education, corruption, development, health, infrastructure, caste, art, gender, corruption. शिक्षा के अधिकार के तहत सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वह गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकें और लेखन सामग्री उपलब्ध कराए, लेकिन नागपुर के स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया है कि वे पाठ्य पुस्तक और लेखन सामग्री के पैसे से थालियां खरीदेंगे। आइए देखते हैं स्थायी समिति के मेंबर से बातचीत कर। लास्ट मीटिंग में क्या डिसीजन लिया गया था? उसमें विषय क्रमांक 408 को मंजूर किया गया था। चेयरमैन विशेषकर और सदस्य हम 11 जन इसको मंजूर किया। इसमें कौन से विषय रखे गए हैं? इसमें जैसे महानगर पालिका में बच्चों को कापी किताब ड्रेस ये सब मंजूरी दिया जाता है स्टैंडिंग के थ्रू, इसलिए ये भी विषय को मंजूर कर रही है। लेकिन जो स्टील के प्लेट खरीदने की बात की गई है उसका क्या मामला है? स्टील की प्लेट जब यहाँ तक ये दे सकते हैं तो स्टील की प्लेट भी दे सकते हैं बच्चों को। लेकिन स्टील की प्लेट खरीदने के लिए जो पैसा लगाया जा रहा है वो क्या कॉपी किताब के पैसे से लगाया जा रहा है? नहीं, इसका पर्पज दूसरा है। इसका कमिश्नर के हेड से किया जा रहा है। नागपुर महानगर पालिका का नोटिस और एजेंडा जो 2 मार्च की मीटिंग के लिए स्थायी समिति ने तय किया, एजेंडा में विषय क्रमांक 408 जो मराठी में लिखा है, 101 रुपये प्रति नग के अनुसार 45,893 थालियों का खर्च 46,35,193 रुपये है। स्थायी समिति के एक्स चेयरमैन प्रवीण भिसीकर, जिनकी अध्यक्षता में थालियां खरीदने का प्रस्ताव मंजूर किया गया, बार बार कोशिश करने पर भी वे हमसे मिलने में टालमटोल करते रहे। यह उनका खाली ऑफिस जहां समय देकर भी वे उपस्थित नहीं रहे। स्थायी समिति ने एक थाली की कीमत 101 रुपया लगाई है, जिसके अनुसार 45,893 थालियों की कीमत 46,35,193 रुपये होती है, जबकि सामान्यतः एक बड़ी थाली की कीमत दुकानों में 70 रुपया है, जिसके अनुसार कुल खर्च 32,12,510 रुपया होता है। इस तरह 14,22,683 रुपये का फर्क आ रहा है। साफ नजर आ रहा है कि थालियों की खरीदी के नाम पर भी 14,22,683 रुपये का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। एक तरफ सरकार शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा के क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रही है। शिक्षा सामग्री के पैसों से थालियां खरीदने पर शिक्षा के स्तर में कितना सुधार होगा और बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह तो हमें आने वाला समय ही बताएगा। मैं विजया, नागपुर महाराष्ट्र से, इंडिया अनहर्ड के लिए।